हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। जीआर एलईडी लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। निर्बल का बल तेरा ये जल अमृत जैसा सबके लिए। इसमें नहा के तन निर्मल हो, मन पावन हो जो इसको पिए। डूबे कभी ना उस पानी की नैया जिसकी तू बन जाए खिवैया। गंगा मैया तेरी जय हो, जय हो, जय हो गंगा मैया। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं। हम आश्रम की मर्यादा नहीं तोड़ सकते। चलो हम परमपिता के पास चलते हैं। प्रणाम परमपिता। कल्याणमस्तु। विधाता, आपने देखा असुरों की धृष्टता कितनी बढ़ गई है। वो तीनों आपको खाने आए थे, आज हम तीनों असुरों का वध कर देते हैं यदि वो भृगु आश्रम में जाकर शरण ना लेते। अब आप ही बताइए प्रभु, हम क्या करें। देवेंद्र, भगवान विष्णु जगत पालक है, जगत उद्धारक है, हम उन्हीं की शरण में जाते हैं। प्रभु हमें निराश नहीं करेंगे। गुरुदेव, असुरों ने जब भृगु आश्रम को अपना आश्रय स्थान बनाया तो महर्षि भृगु कहाँ थे। महर्षि भृगु उस समय सृष्टि की रचना करने में ब्रह्मा जी की सहायता हेतु तपस्या कर रहे थे। और उनके पुत्र शुक्राचार्य, वो क्या गुरुकुल में अध्ययन कर रहे थे। पुत्री कयाधु, भार्गव शुक्राचार्य भी अपना अध्ययन समाप्त करने के पश्चात तपोबल अर्जित करने के लिए साक्षात पर ब्रह्म वहां पहुंचे। अपनी तपस्या से जागो शुक्राचार्य, जागो। वत्स, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। हे परब्रह्म, भार्गव शुक्राचार्य का प्रणाम स्वीकार कीजिए। आयुष्मान भव। हे परब्रह्म, आपने दर्शन देकर मुझे धन्य कर दिया, मेरे लिए क्या आज्ञा है प्रभु। वत्स, तुम अपने तपोबल का प्रयोग सृष्टि की रचना के लिए करो। प्रभु, मेरे लिए सृष्टि की व्याख्या अपनी माता तक ही सीमित है, मैं उनकी सेवा करना चाहता हूं।
उनकी सेवा में ही आपकी सेवा और आपकी भक्ति का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। प्रभु, एक पुत्र के लिए उसकी माता ही परब्रह्म होती है। तुम धन्य हो वत्स, तुम धन्य हो। पर ब्रह्म के साक्षात्कार के उपरांत जब भार्गव शुक्राचार्य अपनी माताश्री से मिलने भृगु आश्रम गए तो माताश्री, आप कहां हैं? माताश्री, 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 भार्गव अपनी माता से मिलने के लिए उत्सुक थे। माताश्री, पुत्र, माताश्री, कल्याण मस्त। उठो पुत्र, उठो। तुम्हारे मुखमंडल का तेज बता रहा है कि तुम्हारी तपस्या सफल हो गई। ये सब आपके आशीर्वाद से हुआ है। आप मेरी माता भी हैं और मेरी गुरु भी। आप ही मेरा परब्रह्म है। माताश्री, आश्रम में ये असुर? ये मेरे शरणागत हैं। मैंने इन्हें आश्रय दिया है, अभय दिया है। आपका वचन मेरे लिए वेद वचन है माताश्री। यदि आपने इन्हें अभय दिया है तो आपका पुत्र शुक्राचार्य भी इन्हें अभय देता है। ये क्या किया आपने भार्गव, क्या किया? सृष्टि के निर्माण कार्य में बाधा डालने वाले असुरों को आप अभय दे रहे हैं? आपने भी वही भूल की जो आपकी माता ने की है। देवेंद्र, मेरी माता श्री के विरुद्ध कुछ भी कहने का साहस कैसे किया तुमने? अपनी असफलता को छिपाने के लिए मेरी माता श्री पर आरोप लगाते समय तुम्हारी जिह्वा के टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो गए? तुम्हारे इस अपराध का दंड मिलेगा देवेंद्र, अवश्य मिलेगा। मैं भार्गव शुक्राचार्य अपने संचित तप बल से तुम्हें। रुक जाओ पुत्र। देवेंद्र ने कोई अपराध नहीं किया पुत्र। देवलोक के स्वामी होते हुए देवताओं की रक्षा करना इनका धर्म है। ये अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। शरणागतों को आश्रय देना हमारा धर्म है। हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, फिर देवेंद्र को श्राप क्यों पुत्र? जाओ देवेंद्र, जाओ और अपने प्राणों की रक्षा के लिए माता श्री का धन्यवाद करो। जाओ। प्रणाम देवी। पुत्र, तुम्हारे इस क्रोधी स्वभाव से मुझे सदा ही भय लगता है। क्रोध अधःपतन की पहली सीढ़ी है। क्रोध के कारण तुम ये भी भूल गए कि यदि तुमने देवेंद्र को श्राप दे दिया होता तो तुम्हारा अर्जित पुण्य बल कम हो जाता, तुम्हारा तपोबल कम हो जाता। मेरी बात मानोगे पुत्र? आज्ञा कीजिए माताश्री। तुम्हें अपना संयम बढ़ाने की आवश्यकता है। तुम तपस्या में बैठे अपने पूज्य पिता की सेवा में जाओ, और जब तक उनकी तपस्या पूर्ण नहीं हो जाती तुम वहीं रहोगे। मुझे अपने से दूर न कीजिए माताश्री, मैं तो आपके चरणों में ही रहना चाहता हूं। पुत्र, मैं अपने स्वामी
महर्षि भृगु के चरणों की पूजा करती हूँ। जब तुम उनके चरणों की पूजा करोगे तो वो मेरी ही पूजा हुई, मेरी ही सेवा हुई। जाओ पुत्र, तुम्हें अपने क्रोध पर अंकुश रखने की आवश्यकता है और उसके लिए तुम्हें अपने पूज्य पिता की सेवा करनी होगी, क्योंकि क्रोध महर्षि भृगु का दास है। जो आज्ञा माता श्री। अपनी मां की आज्ञा का पालन करने के लिए शुक्राचार्य अपने पिता महर्षि भृगु के पास आए और उनकी सेवा में जुट गए। असुरों द्वारा उत्पन्न की हुई समस्या का समाधान देवताओं ने कैसे किया? समस्या के समाधान के लिए सारे देवता ब्रह्मा जी के नेतृत्व में भगवान विष्णु के पास गए। प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रभु। कल्याणमस्तु। हे ब्रह्मा जी, हे देवेंद्र, आप सभी यहां, सब कुशल मंगल तो है? आप अंतर्यामी हैं प्रभु, आप जानते हैं असुर सृष्टि की रचना में बाधाएं खड़ी कर रहे हैं। और प्रभु, जब जब सृष्टि की रचना में बाधा आती है और अधर्म पर्वत बनकर बहती हुई सृष्टि सरिता को रोक लेता है, तब आप ही धर्म की संस्थापना करने के लिए और धर्म की रक्षा करने के लिए हम जैसे भक्तों की पुकार सुनकर दौड़े चले आते हैं। हे आदि पुरुष, देवताओं का प्रादुर्भाव सृष्टि के विकास के लिए ही हुआ है, परंतु इन असरों के कारण देवताओं का होना न होना एक समान हो गया है। ऐसे में हमारी क्या स्थिति है प्रभु, हम क्या करें? हमारा मार्गदर्शन कीजिए प्रभु। हे ब्रह्मा जी, ये सृष्टि तो परब्रह्म की श्वास निश्वास है, ये तो चलती रहेगी। प्रकाश और अंधकार का युद्ध भी शाश्वत है और इन्हीं द्वंद्वों से होकर ही इस सृष्टि का विकास और ह्रास होता रहेगा। फिर भी प्रभु, जब अंधकार का प्रभाव बढ़ता है तो जगत में अधर्म, अत्याचार, अनाचार, अनीति और आतंक सर्वत्र व्याप्त हो जाता है और दैवी शक्तियां क्षीण हो जाती हैं। इस समय ऐसी स्थिति बन गई है प्रभु, यदि असुरों को उनका आश्रय मिलता रहेगा प्रभु तो देवता असुरों पर आघात नहीं पहुंचा सकेंगे। मैंने भृगु पत्नी को समझाने का प्रयास किया था परंतु व्यर्थ। हे ब्रह्मा जी, हे इंद्रदेव, आप लोग निश्चिंत होकर जाइए, परम तपस्वी ऋषि श्रेष्ठ भृगु की पत्नी को समझाने का प्रयास मैं अवश्य करूंगा। कल्याणमस्तु।
हे जगत पिता, हे जगतोद्धारक, हे देवाधिदेव विष्णु, आपने स्वयं मुझे दर्शन देकर अनुग्रहित कर दिया। आपके दर्शन मात्र से ही तीनों लोक पवित्र हो जाते हैं। मैं तो धन्य हो गई प्रभु, धन्य हो गई। आप तो मन, वाणी और कर्म से भी परे हैं प्रभु, मुझे बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। हे कल्याणी, मैं एक विशेष उद्देश्य से ही तुम्हारे पास आया हूँ। अहो भाग्य प्रभु, तुम महाज्ञानी महर्षि भृगु की पत्नी हो। धर्म का तुम्हें अति सूक्ष्म ज्ञान है, इसलिए मैं तुमसे धर्म की दीक्षा लेने आया हूँ। जगत पिता भगवान विष्णु को धर्म की दीक्षा देने की शक्ति तीनों लोकों में से किसी के पास भी नहीं है, और आप मुझसे दीक्षा लेना चाहते हैं, मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं प्रभु। नहीं भद्रे, परीक्षा नहीं, मैं धर्म ज्ञान की शिक्षा लेने आया हूं। शरणागत की रक्षा करके तुमने जिस धर्म की प्रतिष्ठा की है, मैं उस धर्म की दीक्षा लेने आया हूं तुमसे। मुझे बताओ तपस्विनी, शरणागत धर्म क्या है? शरण में आए को शरण देना ही शरणागत धर्म है, और इस आश्रम का भी यही नियम है। जो भी यहाँ शरणागत होकर आए, उसे आश्रय देकर उसकी हर प्रकार से रक्षा की जाए। नहीं सुलक्षणी, आश्रय का ये तत्व नहीं है और ना ही ये आश्रम का धर्म है। आश्रम इसलिए है भद्रे कि जो भी कोई विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से आश्रम में शरण पाए, आश्रम उसकी रक्षा का भार उठाता हुआ उसे उचित शिक्षा दे। दुराचारियों को आश्रय देना ये आश्रम का तत्व नहीं है। जो शरणागत पश्चाताप की भावना से पवित्र हो गया हो, उसे अभयदान देना, उसकी रक्षा करना शरणागत धर्म है। संसार को ताप देने की इच्छा से आश्रम में आश्रय लेने वाले की रक्षा करना शरणागत धर्म नहीं है। हे सुभगी, ऐसे आश्रमों का निर्माण सृजन के लिए होता है, विनाश के लिए नहीं, और तुमने उन्हें अभयदान दिया है जो विनाशी तत्व हैं, जो निर्माण में बाधा डालने वाले तत्व हैं। ये सर्वथा अनुचित है। परंतु प्रभु, मैं तो अपने पतिदेव की आज्ञा से ही अपने धर्म का पालन कर रही हूं। भद्री, महर्षि भृगु परम पिता ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। सृष्टि रचना का कार्य संपन्न करने के लिए ही ब्रह्मा जी ने उन्हें निर्माण किया है। महर्षि भृगु धर्मज्ञ हैं, परंतु इस समय वो आश्रम की परिस्थिति से परिचित नहीं, अन्यथा वो तुम्हें धर्म का ऐसा आदेश नहीं देते। हे कल्याणी, धर्म से संसार की रक्षा होती है। दुराचारियों और अन्यायियों को अभय देकर धर्म की दुहाई देना धर्म नहीं, अधर्म है। धर्म जगत कल्याण है। तपस्विनी, असुरों को आश्रम में आश्रय देकर क्या जगत कल्याण हो रहा है? तुम परम पिता ब्रह्मा जी की बहू हो, स्वयं ब्रह्मा जी तुम्हारे पास आए और तुमने उनकी विनती को भी अस्वीकार कर दिया। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे हैं, क्या उन्हें सहयोग देना तुम्हारा धर्म नहीं? और क्या तुम अपना धर्म निभा रही हो? संसार देवताओं से विकसित होता है भद्रे, असुरों से नहीं। असुर सृष्टि के ही नहीं, धर्म के भी शत्रु हैं, और उनकी रक्षा को धर्म का नाम देकर तुम अनजाने में अधर्म कर रही हो। हे तपस्विनी, सुर असुर, प्रकाश अंधकार,
नीति अनीति, सदाचार अनाचार और धर्म अधर्म के इस युद्ध में क्या तुम अंधकार और अनाचार का पक्ष लोगी, अनीति और अधर्म का पक्ष लोगी? नहीं भद्रे, नहीं। असुरों को आश्रम में आश्रय मत दो, उन्हें रक्षा प्रदान न करो कल्याणी। मैं तुम्हारे इस चुप्पी का क्या अर्थ लगाऊं? मैं विवश हूं प्रभु। विवश तो अब तुम मुझे कर रही हो सुलक्षणी। सज्जनों की सुरक्षा और दुर्जनों का विनाश ये मेरा धर्म है। आज तक हर किसी ने तुम्हारे वचन का आदर किया है, परंतु अब यदि तुमने असुरों को आश्रय और अभय दिया तो तुम्हारा वचन मिथ्या हो जाएगा। ये आश्रम असुरों की सुरक्षा नहीं कर पाएगा। नहीं प्रभु, नहीं। मैं स्वयं अपने सुदर्शन चक्र से इस आश्रम में आए असुरों का वध कर दूंगा। नहीं प्रभु, मैं अपने जीते जी ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरे शरणागतों का वध करने से पहले आपको मेरा वध करना होगा। धर्म की रक्षा करने के लिए यदि यही आवश्यक है तो तथास्तु। जय हो गंगा।